संबल योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हितग्राहियों को एक क्लिक में राशि वितरित की। नीमच में जनपद पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नीमच के 397 हितग्राहियों को 1,68,00,000 रुपए का लाभ मिला। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि का वितरण कार्यक्रम नीमच में जनपद पंचायत कार्यालय में मंगलवार को संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वन क्लिक से 10,285 हितग्राहियों को 2,24,00,000 रुपए से ज्यादा की राशि बैंक खातों में वितरित की गई। नीमच तहसील में 397 हितग्राहियों को 1,68,00,000 रुपए का लाभ मिला। इस अवसर पर कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, SDM एसएल शाह के जनपद CEO मारिशा गौतम शिंदे मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि गरीबों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना में एक क्लिक में लाभ पहुंचाया है। यह योजना बहुत संवेदनशील योजना है। जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी है, तब से विकास की गंगा बह रही है और लोगों तक लाभ पहुँच रहा है। आज बड़ा ही अच्छा दिन है कि गरीबों के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना में डायरेक्ट उनके खातों में पैसा भेजने का काम एक क्लिक दबाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी आपने देखा होगा 13 महीने तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही, ये जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं थी ये सारी की सारी बंद हो गई थी। जनताओं की, गरीबों की दुआओं से चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते ही उनने ये बात कही थी कि जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएँ कमलनाथ जी के समय बंद हुई उन्हें वापस चालू की जाएगी, और उन्होंने आज उस वादे को पूरा किया। उन्होंने संबल योजना आज पूरी की है, 1,68,00,000 रुपये नीमच तहसील के हितग्राहियों को मिले हैं, 397 जिले के हितग्राहियों को इसका लाभ मिला है, 94 के लगभग नीमच तहसील और नगरपालिका के इलाके के हितग्राहियों को लाभ मिला। ये योजना बहुत संवेदनशील योजना है,